आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आप सभी के लिए कुछ मैं टेस्टी और स्वादिष्ट बना के लेके आई हूँ, और वो भी इंटरेस्टिंग कम सामग्रियों के साथ, जो कि है स्वीट डेजर्ट। एक बाउल में आधा ग्लास दूध डालेंगे। दूध रूम टेम्परेचर में होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। दो बड़ी चम्मच पीसी हुई चीनी, मैंने चीनी को मिक्सी में पीस लिया है, आप रेगुलर चीनी भी डाल सकते हैं। तीन बड़ी चम्मच मिल्क पाउडर, ये इजी मार्केट में अवेलेबल रहता है। अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। फ्लेवर के लिए हम थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे। मार्केट जैसा टेस्ट लाने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा केसर वाला दूध। केसर के स्ट्रेंथ्स को मैंने गर्म दूध में उबाल लिया है। केसर का दूध डालना ऑप्शनल है, अगर आपके पास कोई एसेंस अवेलेबल है वो भी डाल सकते हो। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। मैंने थोड़ा सा बादाम और काजू काट के डाल दिया है, और मैंने थोड़े से रोज़ पेटल्स डाला है। इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो चलिए हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। एक बाउल में एक छोटी चम्मच पीसी हुई चीनी, तीन बड़ी चम्मच मिल्क पाउडर, दो बड़ी चम्मच मलाई, ये मैंने घर की मलाई लिया है, आपके पास अगर फ्रेश क्रीम या कंडेंस मिल्क है वो भी डाल सकते हैं, एक बड़ा चम्मच दूध। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। आप देख सकते हो कि कितना अच्छे से मिल चुका है वो। आप चाहे तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। अब हम ब्रेड लेंगे, ब्रेड के चारों एजेस काट लेंगे। आप कोई भी ब्रेड यूज़ कर सकते हो। हमने जो मलाई स्प्रेड फ्रिज में रखा था, अब हम उसे ब्रेड में स्प्रेड करेंगे। एक स्लाइस में स्प्रेड लगा दिया है, अब हम दूसरी स्लाइस को ऐसे रखेंगे, इसे बीच से कट कर लेंगे। आप कोई भी शेप देख सकते हो। आधा कप मैंने उबला हुआ दूध लिया है, ये ठंडा दूध है। अब इसमें हम ब्रेड सैंडविचेस को डिप कर लेंगे। सभी सैंडविचेस को इसी तरीके से डिप कर लें। अब हम इसमें हमने जो इंस्टेंट दूध तैयार किया था ना, अब हम वो डालेंगे। आप देख सकते हो ये रसमलाई जैसा स्वीट डेजर्ट दिख रहा है। आप देख सकते हो हमने 10 मिनट के अंदर कितनी स्वादिष्ट सी मिठाई बनाई है, कितने आसानी से हमने बिना कुकिंग के स्वीट डेजर्ट बनाया है। आप सभी को ये रेसिपी तो मज़ेदार लगी ही होगी, तो ये वीडियो को आप लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।